हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे, आप सबों का अपने इस चैनल पांडे सर के क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने जाए कक्षा 7 की गणित लेसन 2.4। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो पहला नंबर सवाल है, ज्ञात कीजिए। तो पहला है 15 भागा 3/4। तो भिन्न का भाग बनाते वक्त यह ध्यान रखेंगे कि भाग के साइन को हम गुना में बदलेंगे और भाग के ठीक बाद वाले भिन्न को उलट देंगे, मतलब अंश को हर कर देंगे और हर को अंश। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है 15 भागा 3/4, तो हम लिखेंगे 15 और भाग को बनाएंगे गुना और उसके बाद वाले भिन्न 3/4 को कर देंगे 4/3। अब यहाँ 15 3 से कट रहा है तो हम उसे काट देते हैं 5 बार में और आंसर हुआ 5 × 4 = 20। दूसरे नंबर पर है 12 भागा 5/6। तो हम लिखेंगे 12 भागा को करेंगे गुना और उसके बाद वाले भिन्न को पलट देंगे तो यह हो जाएगा 6/5। तो यहाँ कुछ भी कट नहीं रहा तो हम उसे वैसे ही गुना कर देते हैं ऊपर को ऊपर से, तो 12 × 6 = 72 = 5। तो इसे चूंकि यह विषम भिन्न है, अंश इसका बड़ा है और हर छोटा है, तो हम इसे मिश्रित भिन्न में बदल लेते हैं तो यह हुआ 14 × 2/5। तीसरे नंबर पर है 9 भागा 7/3। तो हम इसे लिखेंगे 9 × 7/3 को कर देंगे 3/7। यहां भी कुछ कट नहीं रहा है तो हम ऊपर ऊपर गुना कर देते हैं तो यह हुआ 9 × 3 = 27 और नीचे बच गया 7, तो यह हुआ 27/7। और जब इसे मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो यह हुआ 3 × 6/7। चौथे नंबर पर है 8 भागा 8/3। तो हम इसे कर लिखेंगे 8 भागा को करेंगे गुना और 8/3 को कर देंगे 3/8। यहां 8 और 8 कट जाते हैं तो हम उसे काट देते हैं और बच गया सिर्फ 3, तो आंसर हुआ 3। पांचवे नंबर का सवाल है 3 भागा 2/3। तो हम यहाँ 3 को लिखेंगे भागा को करेंगे गुना और 2/3 का मतलब है 3 × 2 = 6 = 8/3। हम यहाँ भागा को गुना किए हैं तो जो पूर्णांक है वह भी भिन्न जो है उसे भी हम उलट देते हैं, यह हो गया 3/8। तो यह लिखा या 3 × 9/8, मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो यह होगा 1/1/8। छठे नंबर पर है 7 भागा 3/2/7। तो यहाँ लिखेंगे 7 भागा को करेंगे गुना और 3/2/7 का मतलब है 7 × 21 = 23/7। तो इस भिन्न को उलट देंगे तो यह हो गया 7/23। तो यह लिखाएगा 7 × 7 = 49/23 और मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो यह होगा 2/3/23। दूसरे नंबर का सवाल है, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा है, उल्टा ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। तो व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो पहला नंबर सवाल है 3/5। तो हम जब इसके व्युत्क्रम को करेंगे तो यह हो जाएगा 5/3। यह एक विषम भिन्न है क्योंकि इसका अंश बड़ा है और हर छोटा है। दूसरे नंबर पर है 4/5। तो इसका व्युत्क्रम होगा 5/4 और यह भिन्न भी विषम भिन्न है क्योंकि इसका भी अंश बड़ा है और हर छोटा है। तीसरे नंबर पर है 9/7। तो इसका व्युत्क्रम होगा 7/9 और यह एक उचित भिन्न है क्योंकि इसका अंश छोटा है और हर बड़ा है, अतः इसे हम उचित भिन्न कहेंगे। चौथे नंबर पर है 7/5। तो इसका व्युत्क्रम होगा 5/7 और यह भी एक उचित भिन्न है क्योंकि इसका अंश भी छोटा है और हर बड़ा है। पांचवें नंबर पर है 15/8। तो इसका व्युत्क्रम होगा 8/15। यह भी एक उचित भिन्न है क्योंकि इसका भी अंश छोटा है और हर बड़ा है।
छठे नंबर पर है 1/5, तो इसका विपरीत होगा व्युत्क्रम 5/1, तो मतलब हुआ बराबर 5 के, क्योंकि हर के रूप में 1 को हम नहीं लिखते हैं, तो 5/1 पूर्ण भिन्न हुआ। सातवें नंबर पर है 1/13, तो इसका व्युत्क्रम होगा 13/1, और 1 को हम लिखते नहीं है, इसलिए यह हुआ बराबर 13 के, और यह भी एक पूर्ण भिन्न है। तीसरे नंबर का सवाल है ज्ञात कीजिए, तो पहला है 5/3/2, तो हम इसे लिखेंगे 5/3, भागा को करेंगे गुना, और 2 जो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर पूर्ण संख्या के को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जिसके हर में 1 होता है, तो इसका व्युत्क्रम जब करेंगे तो यह हो जाएगा 1/2, तो 5/3 × 1/2 बराबर हुए 5/6 के, ऊपर ऊपर गुना कर देंगे और नीचे नीचे, यही हमारा जवाब हुआ। दूसरे नंबर पर है 7/9/5 के, तो इसे हम लिखेंगे 7/9, भाग को करेंगे गुना, और 5 का व्युत्क्रम हुआ 1/5, ऊपर ऊपर गुना करेंगे और नीचे नीचे, तो 7 × 1 = 7, 9 × 5 = 45, तो आंसर हुआ 7/45। तीसरे नंबर पर है 7/13/7, हम यहां लिखेंगे 7/13 × 7 का व्युत्क्रम होगा 1/7, यहां ऊपर और नीचे 7 कट जाएंगे, तो बराबर हुए 1/13 के। चौथे नंबर का सवाल है 2/1/3/3, यहाँ 2/1/3 का मतलब है 3 × 6 = 7/3, भागा को करेंगे गुना, और 3 का व्युत्क्रम होगा 1/3, तो यहाँ लिखेंगे 7 × 1 = 7, और नीचे 3 × 3 = 9, 7/9 हुआ आंसर। पांचवें नंबर का सवाल है 4/1/2/4, तो 4/1/2 का मतलब हुआ 4 × 8 = 9/2, भाग को करेंगे गुना, और 4 का व्युत्क्रम हुआ 1/4, तो 9 × 1 = 9, 2 × 4 = 8, तो 9/8 आंसर हुआ। इसे अगर हम मिश्रित भिन्न में बदल दें, क्योंकि यह एक विषम भिन्न है, तो यह हुआ 1/1/8 का। छठे नंबर पर है 3/3/7/7, तो 3/3/7 का मतलब है 7 × 21, और 3 = 24/7, भाग को करेंगे गुना, और 7 का व्युत्क्रम हुआ 1/7, तो 24 × 1 = 24, और 7 × 7 = 49, 24/49 आंसर हुआ। सातवें नंबर पर है 5/3/4/7, तो 5/3/4 का मतलब हुआ 4×5 = 20, और 3 = 23/4, भाग को करेंगे गुना, और 7 का व्युत्क्रम हुआ 1/7, तो 23 × 1 = 23, और 4 × 7 = 28, तो 23/28 आंसर हुआ। आठवें नंबर का सवाल है 3/2/3/11, तो 3/2/3 का मतलब है 3 × 9 = 2, 11/3, भाग को करेंगे गुना, और 11 का व्युत्क्रम हुआ 1/11, यहां 11 और 11 कट जाएंगे, और आंसर हुआ 1/3। चौथे नंबर का सवाल है ज्ञात कीजिए, तो पहला है 3/5/1/2, तो 3/5 × भाग को करेंगे गुना, और 1/2 का व्युत्क्रम लिखेंगे 2/1, अब 3 × 2 = 6, और 5 × 1 = 5, तो इस प्रकार जो आंसर हुआ वो 6/5। यहां हम देख रहे हैं कि 6/5 एक विषम भिन्न है, तो इसे हम मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे, तो यह होगा 1/1/5। दूसरे नंबर पर है 2/7/7/3, तो 2/7 को ऐसे लिखेंगे, भाग को करेंगे गुना, और 7/3 को 3/7 कर देते हैं व्युत्क्रम, तो 2 × 3 = 6 के, और 7 × 7 = 49 के, तो भिन्न जो आया वह हुआ 6/49।
यही आंसर हुआ। तीसरे नंबर पर है 3/7 भागा 6/7 के, तो यहाँ लिखेंगे 3/7 भाग को करेंगे गुना और 6/7 को व्युत्क्रम कर रख देंगे 7/6। यहाँ 7 और 7 कट जाएगा और 6 3 से 2 बार में कट जाएगा, तो आंसर हुआ 1/2। चौथे नंबर पर सवाल है 2 पूर्णांक 1/3 भागा 2/5, तो 2 पूर्णांक 1/3 का मतलब है 3 दूनी 6 और 1 7/3 भाग को करेंगे गुना और 2/5 का व्युत्क्रम हुआ 5/2। तो ऊपर करेंगे 7 गुना 5 बराबर 35 और नीचे करेंगे 3 गुना 2 बराबर 6 के। यह एक विषम भिन्न है तो हम इसे विषेद भिन्न में बदल लेंगे, यह हुआ 5 पूर्णांक 5/6 के बराबर, यही हुआ आंसर। पांचवें नंबर पर है 5 पूर्णांक 1/2 भागा 11/3, तो 5 पूर्णांक 1/2 का मतलब है 2 5 10 और 1 11/2 भाग को किया गुना और 1/3 का व्युत्क्रम हुआ 3/11। यहाँ 11 और 11 कट गए, बचा 3/2। यह भी एक विषम भिन्न है तो हम इसे मिश्रित भिन्न में बदल लेते हैं, यह हुआ 1 पूर्णांक 1/2 के बराबर और यही आंसर हुआ। छठे नंबर पर है 2/5 भागा 2 पूर्णांक 1/2, तो हम लिखेंगे 2/5 गुना 2 पूर्णांक 1/2 का मतलब हुआ 2 दूनी 4 और 1 5/2, तो इसका व्युत्क्रम हुआ 2/5। तो हम इसे लिखेंगे 2 गुना 2 बराबर 4 और 5 गुना 5 बराबर 25 के, तो यह हुआ 4/25 का आंसर। सातवें नंबर पर है 2 पूर्णांक 1/5 भागा 3 पूर्णांक 2/3, तो 2 पूर्णांक 1/5 का मतलब हुआ 5 दूनी 10 और 1 11/5 और भाग को करेंगे गुना और 3 पूर्णांक 2/3 का मतलब हुआ 3 3 9 2 11/3, तो इसका व्युत्क्रम हुआ 3/11। यहाँ 11 और 11 कट गए, बचा 3/5 और यही आंसर हुआ। आठवें नंबर पर है 3 पूर्णांक 1/5 भागा 2 पूर्णांक 1/5, तो 3 पूर्णांक 1/5 का मतलब हुआ 5 3 15 और 1 16/5 भाग को किया गुना और 2 पूर्णांक 1/5 का मतलब हुआ 5 दूनी 10 और 1 11/5 और इसका व्युत्क्रम हुआ 5/11। तो 5 और 5 कट गया, बचा 16/11 जो कि एक विषम भिन्न है तो हम इसे मिश्रित भिन्न में बदल लेते हैं, तो यह हुआ 1 पूर्णांक 5/11 के, यही आंसर हुआ। पांचवें नंबर का सवाल है आधा दर्जन केलों का मूल्य 7 पूर्णांक 1/2 रुपया है, तो 1 केला का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो 1 केला का मूल्य बराबर होगा 7 पूर्णांक 1/2 भागा आधा दर्जन का मतलब हुआ 6 6 से हम उसे भाग देंगे, तो 7 पूर्णांक 1/2 का मतलब हुआ 7 दूनी 14 और 1 15/2 भाग को किया गुना और 6 का व्युत्क्रम हुआ 1/6। यहाँ पर 15 और 6 कटेगा 3 से, तो हम उसे काट देते हैं 6 को 2 बार में और 15 को 5 बार में, इस प्रकार जो बचा वह है 5/4 और इसे जब हम मिश्रित भिन्न में बदले तो यह हुआ 1 पूर्णांक 1/4 का, तो 1 केले का मूल्य बराबर हुआ 1/4 रुपया मतलब 1/4 रुपया। छठे नंबर का सवाल है एक छात्रावास में औसतन प्रत्येक छात्र प्रतिदिन 1.5/6 लीटर दूध लेता है, प्रत्येक दिन कुल 308 लीटर दूध छात्रावास में उपयोग होता है, तो छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं छात्रों की संख्या बराबर होगा, दूध जो वहां पर उपयोग होता है कुल वह है 308 लीटर, तो हम उसे भाग देंगे, प्रत्येक छात्र जितना दूध खपत करता है उससे, तो एक छात्र जो खपत करता है दूध वह है 1.5/6, तो इसे हम जो है भिन्न में बदलेंगे। साधारण भिन्न तो यह हुआ 6 का 6 और 5 11/6 के और इसका व्युत्क्रम हम कर लेते हैं, तो यह हुआ 6/11 के, तो 308 गुना 6/11 308 जो है 11 से कट जाएगा, तो हम उसे काट देते हैं 28 बार में, तो ऊपर जो बचा हुआ है 28 गुना 6 मतलब हुआ 168 छात्र। तो उस छात्रावास में जो है कुल 168 छात्र रहते हैं। सातवें नंबर का सवाल है 1/15 1/5 मीटर लंबे रिबन के 4 बराबर हिस्से किए जाते हैं, तो प्रत्येक हिस्से की लंबाई क्या होगी, तो रिबन के प्रत्येक हिस्से की लंबाई बराबर होगा 15.5/4, तो 15.5 का मतलब है 15 5 75 और 1 76/5 भाग को किया गुना और 4 का व्युत्क्रम हुआ 1/4। यहाँ 76 जो है 4 से कटेगा, तो हम उसे काट देते हैं 19 बार में,
तो बचा 19/5। और इसे जब हमने भिन्न में मिश्रित भिन्न में बदल लिया तो आंसर हुआ 3.4/5 के। तो प्रत्येक हिस्से की लंबाई हुई 3.4/5 मीटर। आठवें नंबर की सवाल है, 3.1/4 किलोग्राम सेब का मूल्य 130 रुपया है, तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या होगा? तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर होगा 130/3.1/4, क्योंकि हमें 130 रुपए यहाँ कुल लगे हैं और सेब मिला 3.1/4। तो कुल रुपए को जब हम कुल सेब से भाग देते हैं वजन से, तो हमें 1 किलोग्राम सेब का मूल्य पता चल जाता है। तो 3.1/4 का मतलब हुआ 4 × 12 = 13/4। तो 130 गुना इसे हम 13/4 का व्युत्क्रम कर देते हैं 4/13। तो 130 जो है 13 से 10 बार में कट जाएगा, तो हम उसे काट देते हैं और बचा 10 × 4 = 40 रुपया का। तो 1 किलोग्राम सेब का दाम हुआ 40 रुपया। तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर जरूर सब्सक्राइब करो और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करो और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले। आपका लाइक करना हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।